चलिए सबसे पहले मिन्नी कुमारी, यस मैं सर। कौन, आप बताइए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलिएगा। फर्स्ट हार्मोनिका व्हेन फिक्स अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, सर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। उसमें फर्स्ट हार्मोनिक का बोलना है। एफ इक्वल टू एन वी बाई टू एल। टेंशन के टर्म में बोलिए। सर टेंशन के टर्म में होगा वी इक्वल्स टू रूट अंडर, नहीं फार्मूला, सर, फार्मूला बोलना है पूरा। एफ इक्वल चलिए टू आपने, एन टू, सर एफ इक्वल्स टू एन टू एल रूट अंडर टी बाई मी ओ। ठीक है अपना माइक ऑफ कीजिए। शिवम द रॉक, हाँ माइक सर। ऑन कर लिए। आप बताएंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग बोलिए क्या होता है। लो वाइब्रेशन, लॉ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग पढ़ाए हैं और आपको 10th क्लास में ही पढ़ना था ये ICSE बोर्ड में। अच्छा वही ना सर, मतलब कि जितना वेवलेंथ बनेगा उतना फ्रीक्वेंसी हाँ होगा। हाँ वही, 4 गो केस लिखाए थे ना, 3 गो केस टेंशन पर कैसे ओ डिपेंड हाँ करेगा। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, सुनिए ना सर। एफ इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा लेंथ पहले, फिर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेंशन का हो जाएगा, फिर ठीक है, हो जाएगा एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ हो जाएगा, फिर ठीक हो है, जाएगा एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ एरिया हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए माइक ऑन ऑफ कर लीजिए आप। देखिए इस तरह से सारा फॉर्मूला सभी लोग को लर्न होना चाहिए, ठीक है। और कौन बता सकते हैं अभी। चलिए तनुज कुमार, यस चलिए आप बताइएगा नोड का पोजीशन का जनरल फॉर्मूला क्या था, ये बताइए आप। नोड के पोजीशन का जनरल का फॉर्मूला, नोड एन नोड एन लैम्डा नोड बाय टू, एन एन लैम्डा बाय लैम्डा बाय। टू, चलिए एन नोड लैम्डा और बाय। नोड और एंटी नोड के बीच का पोजीशन क्या होता है ये बताइए आप। मतलब डिस्टेंस नोड और बिटवीन एंटी टू नोड, कंजुकेटिव नोड और एंटी नोड। क्या, नहीं चलिए पता आप अपना माइक ऑफ कीजिए। फिर बताएंगे ओम प्रकाश कुमार, यस सर। चलिए आप बताइएगा नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। लेमडा चलिए वेरी गुड। और दो नोड, दो लगातार नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। लेमडा चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए फोन आप, ठीक है। तो आगे बढ़े अब। देखिए सब लोग को फार्मूला लगभग याद है, तो आज हम लोग क्या करने वाले थे आप लोग को पता है। आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गन पाइप यानी फ्लूट यानी बांसुरी कैसे बजता है उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जरा गौर से देखिएगा, ज्यादा कोई कष्ट तो नहीं होना चाहिए, है ना। ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर लिखेंगे तो इट इज अ म्यूजिकल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट है ना, इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच हैव शेप सिलेंड्रिकल लाइक, सिलेंड्रिकल लाइक,
यानी यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका शेप कैसा होता है, सिलेंडर के जैसा होता है, सिलेंडर के जैसा होता है, कैसा, सिलेंडर के जैसा होता है। अब यह दो तरह का होता है, एक होता है आपका ओपन ऑर्गन पाइप, एक क्या होता है आपका ओपन ऑर्गन पाइप होता है, दूसरा होता है क्लोज ऑर्गन पाइप होता है। देखिए गौर से समझिएगा मेरी बात को, हम आपको समझने के लिए भी उसे बता दें। देखिए सिलेंडर बना रहे हैं, ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों एंड ऐसे ओपन रहेगा, बस इतना ही फिगर बना हुआ रहेगा आपको और कुछ नहीं बना हुआ रहेगा, जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप में दोनों एंड क्लोज नहीं होगा। ये बात याद कीजिए, दोनों एंड अगर क्लोज कर दिएगा तो फूकिएगा किधर से, बजेगा किधर से, बात समझ लीजिए, एक एंड क्लोज रहेगा, इसमें बोथ एंड ओपन होगा, बोथ एंड्स ओपन, और इसमें होगा वन एंड क्लोज एंड वन एंड ओपन, वन एंड ओपन। बात समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ऑर्गन पाइप में क्या होगा, बोथ इंड ओपन होगा, दोनों इंड आपका ओपन होगा, और उसमें क्या होगा, वन इंड ओपन और वन इंड क्लोज होगा। तो देखिए फिगर को सही से समझने के लिए ऐसा मत सोचिए क्लोज ऑर्गन पाइप में दोनों इंड क्लोज, तो हम अभी बोले फूकेंगे किधर से, हवा किधर से देंगे उसके अंदर, और आप लोग बताइए ये वाला इंस्ट्रूमेंट आप कभी यूज किए हैं, वन इंड क्लोज एंड वन इंड ओपन, बांसुरी कोई बजाए हैं कहाँ, आप लोग कोई नहीं जानते हैं। देखिए पेन का ढक्कन होता है ना, ये वन इंड क्लोज, इसमें फूकिएगा तो ये भी आवाज देता है, पता है कि नहीं आपको। तो ये हो गया आपका कौन सा, क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया, क्या हो गया आपका, क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया, जिसमें एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है, वो क्लोज ऑर्गन पाइप है और उसमें आराम से फूकिएगा, देखिए क्लास में कितना तेज आवाज निकलता है ना, एक्सपेरिमेंट करके कभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर ये प्लास्टिक का है तो थोड़ा आवाज कम देगा, अगर इसको आप मेटल का रखिएगा तो फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन ज्यादा होगा आपका, है ना। तो ऑर्गन पाइप क्या है आप समझ चुके हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका शेप सिलेंडर के जैसा होता है, यह दो तरह का होता है, एक ओपन होता है एक क्लोज होता है, ओपन में दोनों इंड्स ओपन होंगे और क्लोज में दो, एक इंड ओपन और एक इंड क्लोज होगा। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर अच्छी तरह से, जैसा पहले हम लोग सोचते थे वैसा ही यहाँ होगा, यहाँ ओपन इंड पर ऑलवेज, ओपन इंड पर ऑलवेज एंटी नोड बनता है, क्या बनता है, एंटी नोड बनता है, इस बात को समझ लीजिएगा, ओपन इंड पर क्या बनता है, हमेशा एंटी नोड बनेगा, इस बात को याद करिए, यानी कि यहाँ पर दोनों जगह एंटी नोड बनेगा, जबकि यहाँ पर जो है क्लोज इंड पर नोड बनता है और ओपन इंड पर एंटी नोड बनता है, क्या बनता है, एंटी नोड बनता है, इस बात को समझ लीजिए। बात समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा बात, है ना, कि यहाँ पर जो है इस बात को याद रखना है कि ओपन इंड पर ऑलवेज एंटी नोड बनेगा, क्लोज इंड पर ऑलवेज नोड बनेगा। तो एक बात को समझ लीजिए, और एक बात तो आप समझ लीजिए, हर हाल में दो एंटी नोड के बीच में कोई ना कोई एगो नोड जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि दो लगातार नोड होगा और दो लगातार एंटी नोड होगा, एक नोड होगा तो एक एंटी नोड होगा, एक नोड होगा तो फिर एंटी नोड होगा, इस तरह से फेनोमेना चलता है। तो देखिए ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप में आप समझ चुके हैं बात की, क्या हम कहना चाह रहे हैं, जो नोड और एंटी नोड की बात कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए, नोड और किसकी, एंटी नोड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, दोनों इंड क्लोज है, दोनों इंड ओपन है, और वहां पर क्या है, एक इंड क्लोज है और एक इंड क्या है आपका ओपन है, इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें अगर किन्हीं को कोई परेशानी है तो हमको बताइए, हम बतलाने के लिए तैयार हैं। देख लीजिए ध्यान से, किसी तरह का कोई कष्ट है सर, दो एंटी नोड एक साथ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नोड के बाद एंटी नोड आएगा, ये प्रूफ कर चुके थे नोड और एंटी नोड में, नहीं पोजीशन ऑफ नोड आया था एन लेमडा बाई, पोजीशन ऑफ एंटी नोड आया था
आपका क्या n लेमडा बाई टू, यानी जीरो पर होगा, लेमडा बाई टू पर होगा, फिर टू इंटू लेमडा बाई टू पर होगा। जबकि पोजीशन ऑफ एंटीनोड हम मैथमेटिकली निकाले थे तो लेमडा बाई फोर के ऑड मल्टीपल में आया था। पहली बार में आया था लेमडा बाई फोर, दूसरा बार आया था क्या थ्री लेमडा बाई फोर, इस तरह से आया था। यानी कि आप वहां से मैथमेटिकली देखेंगे तो आपका क्या होगा, नोड के बाद एंटीनोड, फिर नोड, फिर एंटीनोड, फिर नोड, फिर एंटीनोड, ऐसे बढ़ता है वो। नोड एंटीनोड का पोजीशन निकाल चुके हैं। और किन्हीं को कोई अगर प्रॉब्लम लग रहा हो तो पूछिए डाउट अपना। यही है आपका ऑर्गन पाइप, है ना। अब इस ऑर्गन पाइप को जब समझ चुके हैं तो इसके फॉर्मूला को भी समझना पड़ेगा हर हाल में हम लोग को, इसका आखिर फॉर्मूला क्या हो सकता है ना, इसमें हम लोग कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे, है ना। तो ये आपका क्या था, नोड और एंटी नोड का कंसेप्ट, यानी ऑर्गन पाइप है। क्या है, ऑर्गन पाइप है, जिसको सिर्फ आप सिंपल भाषा में बांसुरी कह सकते हैं, फ्लूट कह सकते हैं, जो भी आप कहिए। फिजिक्स में सबका मीनिंग एक ही होता है, बजाने के लिए अलग अलग तरह का कंडीशन लगाया जाता है। और देखिए एक बात समझ लीजिए, जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, सब में कौन सा वेव होगा, ऑसिलेटिंग या फिर प्रोपगेटिंग या स्टैंडिंग, आप लोग बताइए। जितना भी इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ चुके हैं उसमें सब में क्या होगा, कौन सा वेव होगा आपका, ऑसिलेटिंग, प्रोपगेटिंग या स्टैंडिंग वेव होगा, या स्टेशनरी उसी को बोलते हैं, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग वेव। सभी केस में स्टैंडिंग होगा, इस बात को समझ लीजिए। सर हाँ सर बोलिए बोलिए। सर जो बैंड बाजा बजाता है उसमें, उसमें जो सर बैंड बैंड बाजा वाला आता ना सर, उसमें उसमें कैसे बजता है सर, उसमें भी स्टैंडिंग वेव होता है, उसमें भी खूब टाइप पाइप होता है। देखिए आप जो बोलते हैं आवाज रंग बिरंग कैसे निकलता है, तो वही तो देखिए बाहर बाद में फिर वाइब्रेट करेगा, फिर तो मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करके आवाज ले जाता है, लेकिन वो बनता है स्टैंडिंग वेव। देखिए एनर्जी का प्रोपगेशन अलग होता है, अब वेव जो बना है वो स्टैंडिंग वेव बनता है, एनर्जी का प्रोपगेशन अलग पॉइंट है, वो एनर्जी प्रोपगेट करेगा लेकिन सभी में क्लोज होता है, सब में स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए वो फिनोमेना दे। जितना ज्यादा आप अच्छा से वाइब्रेट करवा पाएंगे, देखिएगा कि छोटा रहेगा बैंड बजाला तो कम आवाज देगा, और जिसमें ज्यादा ये पाइप रहेगा ना वो ज्यादा आवाज देगा, ज्यादा अच्छा फ्रिक्वेंसी देगा। हारमोनियम भी देखिएगा, हारमोनियम छोटा रहेगा तो कम अच्छा बजेगा, बड़ा रहेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा बजेगा। तो उस अब ज्यादा बड़ा भी अब ऐसा थोड़े गांधी मैदान इतना बड़ा लगा दीजिएगा, मतलब सबका एक स्टैंडर्ड कंडीशन होता है जिसमें जा करके इंस्ट्रूमेंट जो है अपना मैक्सिमम इफिशियंसी शो करता है। हर एक फिजिक्स का जितना भी इंस्ट्रूमेंट है ना, सबका एक स्टैंडर्ड फिनोमेना होता है जिसमें उसका मैक्सिमम इफिशियंसी होती है। उसके ऊपर भी ले जाएगा तो इफिशियंसी घटेगा, नीचे भी ले जाएगा तो इफिशियंसी घटेगा। कोई भी आप इंजन बाइक में ही ले लीजिए, आपका पेट्रोल डीजल इंजन जो भी है उसमें ले लीजिए आप, है ना। देखिए अगर बाइक को आप 40 से 50 60 के बीच में चलाते हैं तो आपका माइलेज बहुत अच्छा देगा, 20 10 में चलाइएगा तो भी माइलेज कम देगा, और 70 80 में उड़ाइएगा तो भी माइलेज कम देगा। इसीलिए वहां पर काटा पर रीडिंग में ग्रीन ग्रीन दिखाया रहता है 40 से 60 के बीच में, यानी कि उस रफ्तार में माइलेज आपका सबसे ज्यादा होता है, कंबसन सबसे अच्छा होता है। तो सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट में ये कंडीशन लागू होता है। हम जैसे वहां पर पढ़ाए थे क्या कि आपका क्या कहते हैं कि इन्वर्सली परफॉर्म होता है लेंथ का, यानी जितना छोटा होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट। तो अब आप बताइए, ध्यान से समझ लीजिए कि क्या एक सेंटीमीटर का इंस्ट्रूमेंट बनाइएगा तो बजेगा ही नहीं, लूप्स की संख्या घट जाएगी फिर। तो उसके लिए स्टैंडर्ड जो है वो आपका फिर एक्सपेरिमेंट के बाद आता है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू पर आपका सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनता है, जो कि लगभग 1.5 मीटर लंबा वायर होता है, ठीक है, 1.5 मीटर के आसपास, है ना। तो इसीलिए सब जगह होता है, और सब जगह स्टैंडिंग वेव बनाने का फेनोमेना होता है। आप ढोलक तबला भी बजाते देखते, दोनों तरफ से क्लोज रहता है, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। हम बोल रहे हैं वहां भी स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है, मुंह खोल के बोल के दिखाइएगा कभी, है ना, आ करके मुंह खोलिएगा, आप बोल के दिखाइएगा सारा वर्ड। तो ये वोकल कॉर्ड जो है ना, साउंड बॉक्स, उसमें क्या होता है, स्टैंडिंग वेव बनता है, उसके बाद फिर एनर्जी रिलीज होता है, तब एनर्जी प्रोपगेट करता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, तब क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करेंगे। सबसे पहले ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, किसका, ओपन ऑर्गन पाइप।
देखिए इसमें भी जैसे फार्मूला का जो डेरिवेशन है ना एक्सपेरिमेंट के थ्रू है, नॉलेज बेस्ड फार्मूला यहाँ ड्राइव होता है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कैसा भी फार्मूला ड्राइव कर दीजिएगा। हॉर फर्स्ट मोड, फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, पूरा नहीं लिख रहे हैं, फॉर फर्स्ट मोड वाइब्रेशन, यानी ओपन ऑर्गन पाइप बना रहे हैं जिसमें लेंथ जो है पाइप का एल है, ठीक है, लेंथ ऑफ पाइप जो है हमेशा सेम रखेंगे एल, अब फिगर बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, लेंथ ऑफ पाइप एल है, कम से कम इसमें यहाँ तो एंटी नोड बनेगा ही हर हाल में, तो कम से कम बीच में एक और नोड बनाइएगा, ऐसे ये वाइब्रेट करेगा, देख लीजिए ध्यान से, ऐसे वाइब्रेट करेगा, मतलब रेड से दिखाए हैं कि किस तरह से इसमें वेव बनेगा, तो अगर दो जगह एंटी, ए फॉर एंटी नोड और एन फॉर नोड, और यहाँ ए फॉर एंटी नोड, सब जगह ही दिखाते हैं, अब कम से कम फर्स्ट मोड में दोनों जगह एंटी नोड बनना फिक्स है, कम से कम एक नोड तो पीछे बनेगा तब ना एंटी नोड दोनों जगह बनेगा, इसलिए फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। और आप लोग बताइएगा किन से पूछते हैं, मुस्कान अपना माइक ऑन कीजिए जल्दी से, अब आप ही लोग से डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। चलिए नहीं सुन रहे हैं लगता है। यस सर। चलिए वेवलेंथ के टर्म में बताइए कि यहाँ पर हम कितना वेवलेंथ लिखे, अब इतना दूरी में वेवलेंथ लैम्डा लिखें, लैम्डा बाई टू लिखें, लैम्डा बाई फोर लिखें, टू लैम्डा लिखें, क्या लिखें आप बताइए सर, लैम्डा। चलिए अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप। चलिए मिन्नी कुमारी बताएंगे, हम मैं ये नहीं बना कि आपका सही है या गलत है, मेरे को नहीं पता है, बस हम आप लोग से जानना चाह रहे हैं कि आप समझते हैं सर, लैम्डा बाई टू। चलिए ठीक है, आप भी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, है ना। दो मुस्कान है, एक मुस्कान पहले बोल चुके हैं, दूसरा लोग बोलिए। सर लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू ही होगा, तो लैम्डा बाई टू ही होगा, इस बात को याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये वाला बात जो भूल जाइएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा मामला, फिर से हम बता देते हैं सब लोग को, समझ लीजिए फिर से, इतना को लैम्डा कहते हैं, बस इतना याद कर लीजिए, ये लैम्डा हुआ, तो देखिए आपको लग रहा हो कि यहाँ दो बार है, दो बार नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ से है, मतलब कि यहाँ से शुरुआत हुआ है ऐसे, देखिए ऊपर से और फिर नीचे चला गया है ऐसे, यहाँ तक ऐसे गया हुआ है ये, तो ऐसे शुरुआत होके जब ऐसे गया है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी जो होगा ना लैम्डा बाई टू ही होता है, याद कर लीजिए, क्योंकि इधर वन फोर्थ इधर वन फोर्थ, मतलब यहाँ से यहाँ तक वन फोर्थ होता है, बस इतना याद करिए, लैम्डा बाई फोर होता है, यहाँ से यहाँ तक स्टडी कीजिएगा तो लैम्डा बाई टू आ जाएगा, है ना, मतलब कि आप नोड एंटी नोड के पोजीशन को ऐसे भी समझ लीजिए कि दो नोड लगातार दो एंटी नोड या लगातार दो एंटी नोड या दो लगातार नोड के बीच की दूरी आपका लैम्डा बाई टू होता है, यानी ये जो वैल्यू है लैम्डा बाई टू के बराबर होगा, लेंथ जो है यहाँ पर आपका क्या होगा लैम्डा बाई टू के बराबर है, इस बात को आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। देखिए जब समझ चुके होंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा, वहां पर लिखते थे एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ लिखाएगा एल बराबर लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, ये क्या है लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप है, कौन पाइप है ऑर्गन पाइप है, यानी आपकी बांसुरी है, ठीक है, लैम्डा जो है वेव लेंथ ऑफ वेव, जो वेव बनेगा उसका वेव लेंथ होगा। अब आपको बात जब पता चला गया तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड का इसलिए F1 लिख देते हैं, और आपको फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड ऑफ वेव बाय वेवलेंथ होता है, ये बात आप समझते हैं अच्छा से, इसलिए यहां पर v बाय लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, इतना आ जाएगा, सॉरी l बाय 2 हो जाएगा, लैम्डा बराबर 2l ना, 2l हो जाएगा इक्वेशन पहला। फिर उसी तरह से आप चलिए फॉर सेकेंड मोड के लिए, सेकेंड मोड के लिए चलिए, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए चलिए, जब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए चलिएगा तो ऑर्गन पाइप के साथ क्या क्या छेड़खानी कीजिएगा देख लीजिए आप लोग, है ना, ये ऑर्गन पाइप यहाँ बना रहे हैं ऐसे, है ना, इसकी भी लेंथ एल ही है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, इसका भी लेंथ एल ही है, लेकिन आपको पता है
कि यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, तो पहला बार में तो एक गो नोड बताया, अगली बार दो गो नोड बनाना पड़ेगा कहीं, तो यहाँ एंटी नोड तो दो गो नोड तो बनाना पड़ेगा आपको हर हाल में। अगर दो गो नोड बना रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ एंटी नोड बनेगा ऐसे, और ये वाला जो है ऐसे जाएगा, और ये वाला फिर ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे होगा, और इस तरह से होगा। अब आप समझ लीजिए दो एंटी नोड बना चुके हैं अंदर, सॉरी यहाँ एंटी नोड होगा, यहाँ एंटी नोड होगा, ये नोड का पोजीशन है तो बीच में तो वो एंटी नोड आना चाहिए ना, तभी ना नोड होगा। दो लगातार कभी नोड नहीं हो सकता है, यानी नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड ऐसे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, एल बराबर क्या लिखें? लेमडा, लेमडा आप कोई नहीं बोलेंगे, लेमडा हो गया, ठीक है, हम लेमडा की बात किए हैं, एल बराबर लेमडा हो गया। अब लेमडा हो गया तो अब फ्रीक्वेंसी बार बार इतना लिखने की क्या जरूरत है, फ्रीक्वेंसी एफ टू बराबर वी बाई लेमडा होता है, यानी वी बाई एल आ गया इक्वेशन सेकंड। अब उसी तरह से जब चलेंगे आगे तब लिखेंगे फॉर आपका थर्ड मोड में, चलिए मोड में चलिए, तीसरा मोड में चलिए, जब तीसरा मोड में चलिए, देखिए थ्योरी को समझना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि आपको सम टाइम जो है ना थ्योरी से क्वेश्चन होता है, जैसे पिछले बार भी हम लोग बना रहे थे स्ट्रिंग में, सम टाइम थ्योरी से क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ नोड एंटी नोड बने, यहाँ एंटी नोड है तो नोड कहीं बनेगा ही, फिर नोड बनेगा, और फिर नोड बनेगा तब एंटी नोड फिर बनेगा, बस समझ लीजिए। यानी ये ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, और इधर से चलेगा ऐसे, ऐसे चलेगा। अब सोच लीजिए आपको इस तरह से वेवा बनाना पड़ेगा, और आपको पता है कि यहाँ एंटी नोड है, फिर नोड है, फिर एंटी नोड है, फिर नोड है, फिर एंटी नोड है, फिर नोड है, फिर एंटी नोड है, ऐसे अब होगा, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, इस तरह से लगातार बनता है। और लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप वही है एल, अब यहाँ लेमडा कितना होगा, अब सोच लीजिए कितना होगा, थ्री इंटू लेमडा बाई टू हो जाएगा, नहीं तो फ्रीक्वेंसी थ्री टाइम्स जब लिखेगा भी बाई लेमडा लिखेगा, और लेमडा बराबर होगा तो थ्री भी बाई ट्वेल्व हो जाएगा थर्ड। फ्रॉम एबव इक्वेशन या फ्रॉम एबव वी कैन राइट जनरल फॉर्मूला, बी कैन राइट जनरल फॉर्मूला, और बी कैन राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ बराबर क्या होगा एन भी बाई ट्वेल्व, एन भी बाई ट्वेल्व लिख दिए हैं, बस समझ लीजिए ये फॉर्मूला हो गया जनरल फॉर्मूला, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। और यहां पर भी जो होगा स्पीड ऑफ वेव होगा, है ना, कहां आपका एयर में, क्योंकि इसमें हवा में चलता है, भी जो होगा यहाँ पर स्पीड ऑफ वेव इन एयर, क्योंकि फ्लूट बासुरी हवा के चलते बनता है, स्ट्रिंग के चलते नहीं, तो एन भी बाई ट्वेल्व है। एल होगा आपका लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, लेंथ ऑफ क्या होगा आपका, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप होगा, इस बात को समझ लीजिए। और एन जो है इंटीजर है, वो वन से शुरुआत करेंगे, है ना, इस तरह से वन टू थ्री फोर होगा, एन जो है आपका क्या है, इंटीजर है। अब आप एकदम क्लियर दिख रहा होगा आपको पिक्चर भी, अब बात भी क्लियर समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से बोलिए, अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न बोलिए, ये मत बोलिए कि सर फिर से बता दीजिए, प्रश्न पूछिए आंसर। हाँ बोलिए, हाँ ये बता देते हैं, देखिए आपको अभी अभी बताए थे कि लेमडा नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लेमडा बाई फोर, ये बात समझ में आ गया जी बात, तो आप बताइए कै गो है लेमडा, तो एक दो तीन चार पांच छ, छ गुने लेमडा बाई फोर कर लीजिए, नहीं समझे, हमने कहा कि दो एक नोड और एक लगातार नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई फोर होता है, लेमडा बाई फोर, 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 लेमडा बाई फोर,
आ गया। तो गिनने के लिए भी आपको समझ में आना पड़ेगा, सम टाइम हम पहले ही कर रहे हैं, क्वेश्चन जो है गिन करके बनाना पड़ेगा आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में ऐसा दे देता है कि आप समझे हैं कि फार्मूला, यहाँ जानते हैं साउंड में इस समय फार्मूला याद करके जाएंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा ज्यादा। आप यहाँ पर समझ के जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। और मैं आपको एक दो क्लास के बाद सारा नीट का क्वेश्चन और जेई मेन एडवांस का क्वेश्चन आपको दूंगा और सारा आपसे बनेगा, बस नहीं सोच लीजिए। केवल कंसेप्ट को क्लियर करके रखिएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। और ये सब चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो कंपटीशन की तैयारी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सब चैप्टर नहीं बनेगा। आपको कहेगा कि सर साउंड का क्वेश्चन नहीं बनेगा, हमको लाइट मॉडर्न का क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो कौन सा चैप्टर बनाइएगा? रोटेशन का क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम में जाके अच्छा से। पहले ये सब चैप्टर का क्वेश्चन एकदम, देखिए ये सब चैप्टर किसी से लिंक भी नहीं है आपका, डायरेक्ट इसी चैप्टर का सिर्फ क्वेश्चन, इसमें कहाँ कोई लिंक है। कभी आ रहा है कि न्यूटन ला रहा है, तो कुछ चैप्टर सेपरेट होते हैं फिजिक्स का, वो चैप्टर कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसमें सिर्फ उसी चैप्टर के कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा। तो अब आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, इतना हम समझ चुके होंगे। तो हम आगे बढ़े, अब क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करेंगे। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा और थोड़ा बहुत अंदाजा भी लगा सकते हैं आप लोग। ये ओपन ऑर्गन पाइप जो है ना, लगता है ना स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड के जैसा फॉर्मूला गया है। लास्ट में देखिए ध्यान से, जब दोनों स्ट्रिंग फिक्स हो जाता था तो उसका भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यही था एन वी बाई टू, याद कर लीजिए, उसका भी जनरल फॉर्मूला यही आया था। लेकिन और यहाँ पर दोनों इंड ओपन, यानी वहां दोनों इंड फिक्स्ड, यहाँ दोनों इंड ओपन, वहां एक इंड फिक्स, यहाँ एक इंड क्लोज, मतलब समझ सकते हैं बात को हम क्या समझाना चाह रहे हैं। यानी फार्मूला अगर कोरिलेट करके लर्न करना चाहते हैं तो दोनों का फार्मूला तो एक ही है, बस इतना आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, ध्यान से समझिए अच्छी तरह से, ठीक है। क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, ठीक है। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, तो देखिए आगे बढ़ते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप में। तो पहले फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे इसमें। तो फर्स्ट मोड में क्या कीजिए, एक आप बनाइएगा ऐसे इसी तरह से। तो आपको जैसे ही आप ऐसा बनाइएगा तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर तो नोड बनना निश्चित तय है। तो नोड बनना जब तय है तो यहाँ एंटी नोड बनेगा ओपन इन पर, और तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, यानी ऐसे बनेगा। अब आप यहाँ लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप जो होगा वह लेंथ एल बराबर क्या होगा, आप सोच लीजिए क्या होगा, लैम्डा बाई फोर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी जो एफ वन लिखिएगा भी, आप देखिए पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बात आप समझ रहे हैं कि आपको भी क्या करना और हमको भी क्या करना। लैंग्वेज आएगा तो आप लोग बहुत होशियार हैं, है ना, नए जमाने के लोग आप लोग हैं, तुरंत लिख लेते हैं आप लोग। भी बाई क्या हो गया आपका लैम्डा, और लैम्डा के बदले क्या लिखिएगा फोर एल, यानी भी बाई फोर एल आ गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड मोड के लिए चलिए, फॉर सेकेंड मोड के लिए, जब सेकेंड मोड के लिए आप चलिएगा तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, फिर से वही बात कीजिएगा, एक ऑर्गन पाइप बनाइएगा, एक तरफ क्लोज कर दिया, क्लोज कर दीजिए। जैसे ही क्लोज कीजिएगा तो आपको पता है कि यहाँ नोड था और यहाँ एंटी नोड था, तो यहाँ भी नोड होगा और यहाँ भी एंटी नोड होगा, यानी कि अब की बार नोड यहाँ होगा लेकिन यहाँ एंटी नोड होगा, तो बीच में फिर से वो आना चाहिए आपका है। ये नहीं कि नोड का देखिए होता तो फिर देखिए एक एंटी नोड के फिर बीच में वो एंटी नोड आना चाहिए, तो नोड और नोड तब ने फिर एंटी नोड आने की, ऐसे बनेगा फिगर, आप सोच लीजिए। यानी कहने का मतलब ये नोड होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एंटी नोड होगा, फिर नोड होगा तब ना एंटी नोड होगा, मतलब आप समझ सकते हैं बात को क्या होगा। और तब तो यहाँ लेमडा बराबर आप लिख सकते, एल बराबर लिख सकते हैं थ्री लेमडा बाई फोर, आप काउंट कर लीजिए। देखिए ज्यादा कष्ट हो ना तो नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई फोर होता है, याद कर लीजिए, और एक दो तीन चार गिन लीजिए हर बार, आपको आंसर फटाफट आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा।
तब तो फ्रीक्वेंसी जो सेकेंड टाइम्स होगा आप समझ सकते हैं भी बाई लेमडा होगा, यानी कि थ्री भी बाई फोर एल होगा। क्या होगा? थ्री भी बाई फोर एल होगा, इस बात को आप भी समझ चुके होंगे और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया होगा। अब देखिए गौर से समझिएगा, फॉर थर्ड मोड के लिए चलिएगा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए चलिएगा तो क्या होगा? जब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के चलिएगा तो वही ऑर्गन पाइप होगा आपको हर हाल में, है ना। अब उस ऑर्गन पाइप का जाके बात करते हैं कि आखिर क्या संभावना हो सकता है, अब है ना। फिर से अब की बार जो होगा यहाँ नोड होगा, फिर नोड होगा, फिर नोड होगा, ऐसे होगा अब की बार में, ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा। अब देखिए जब उस तरह से वाइब्रेट करेगा तो अब काउंट कर लीजिए फिर से, ये आपका नोड है, एंटी नोड है, नोड है, एंटी नोड है, नोड है और एंटी नोड है। अब एल बराबर यहाँ क्या होगा? 5 लेमडा बाई 4 हो जाएगा। ये बात आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। फ्रीक्वेंसी एफ थ्री जब लिखिएगा तब वी बाई लेमडा यानी 5 वी बाई 4 एल इक्वेशन नंबर थर्ड होगा। यहां से लिख सकते हैं वी कैन राइट जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला और एफ बराबर लिखिएगा आप 2n-1 और भी बाई 4l हो जाएगा। अब n का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो आ जाएगा भी बाई 4l आ जाएगा, 2 पुट कीजिए तो 3 भी बाई 4l आ जाएगा, 3 पुट कीजिए 5 भी बाई 4l आ जाएगा। आगे आंसर की नहीं है आपका, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि ये जनरल फॉर्मूला है। किसका जनरल फॉर्मूला है? तो आपका ये जो है जनरल फार्मूला आपका किसका हो गया? क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए हो गया। तो हम पहले ही कह दिए जनरल फार्मूला याद करने की उतना जरूरत नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, इसको हम लोग सिंपल वे में बाद में समझ लेंगे। चलिए किन्हीं को शायद कुछ डाउट हो रहा है पूछ सकते हैं। अब किन्हीं को अगर कुछ डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हैं। देखिए हमें नहीं लगता है कि आपको लगता हो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज्यादा अंतर हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि क्लियरली आप लोग से बात, क्लास में तो खड़ा करके पूछ रहे थे, यहाँ तो खड़ा करवा नहीं सकते आप लोग, है ना। आराम से पढ़िए, थकान भी नहीं होगा, है ना, ऑनलाइन में, और वीडियो भी हमेशा रह जाता है तो आप दोबारा तिबारा भी देख लेते हैं, है ना। शायद फिर से थर्ड वेव आने वाला है, क्या हो रहा है पता नहीं इस दुनिया में। चलिए देखिए हमने सोचा है कि अगले सप्ताह में यानी फर्स्ट वीक जो है अगला महीना का उसमें चालू करने के लिए सोचे हुए हैं, लेकिन देखते हैं अभी दो चार दिन पांच दिन और स्थिति क्या है। देखिए क्योंकि सबसे पहले लाइफ सेव करना, ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत है तो हमको बोलिए ना, हम समझा देंगे पूरा, है ना। कभी कष्ट नहीं होने देंगे, बस इतने याद करिए, है ना। केवल उधर से जिनके जिनके पास ड्यूज है ना पैसा भेज दीजिएगा सब लोग, क्योंकि एक महीना से कोई नहीं भेजे हैं, नहीं तो क्लास फिर बंद हो जाएगा, तो आप लोग समझिएगा फिर। चलिए इधर देखिए मैं बात कर लेता हूँ अच्छी तरह से पहले। इधर इतना बात समझ में आ गया तो अब थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस आपको क्रिएट करते हैं, वो समझ लीजिएगा। एक होता है ओवर टोन। देखिए फिजिक्स में कुछ कुछ नया वर्ड होता है, एक है ओवर टोन। टोन और ओवर टोन क्या होता है? आप लोग बड़ा बोलते रहते हैं बड़ा टोन कस रहा है, नहीं जी टोन मार रहा है, नहीं क्लास में ये सब बताते हैं ना, तो लग देखो देखो तुम्हारे पर टोन कस रहा है। ये टोन वर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ फिजिक्स में वो ओवर टोन हो गया, कोई बताएंगे? ये तो डेली यूज करते हैं आप लोग क्लास में, नहीं बताइए टोन वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि यही क्वेश्चन आ जाएगा आपको जब फिजिक्स में ओवर टोन, तो आपको परेशान कर देगा। फर्स्ट ओवर टोन, थर्ड ओवर टोन का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए टोन मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। आप लोग जो इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं बहुत सारा, वो समझ नहीं पाते हैं बात को। टोन कसना, टोन जानते कहाँ से वर्ड से यूज हुआ है? जनरली जो आप गिटार में कसते हैं ना, वहां से टोन वर्ड आया है। तो टोन मतलब फ्रीक्वेंसी और ओवर टोन मतलब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। ओवर टोन मीन्स नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब उसके अगला फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टोन और ओवर टोन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो एक वर्ड है,
देखिए ओवर टोन है ना, बहुत अच्छा वर्ड है ओवर टोन। ओवर टोन का मतलब होता है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। सिंपल भाषा में अगर लिखते हैं तो जो ओवर टोन कहे उसका अगला फ्रीक्वेंसी, मतलब फर्स्ट ओवर टोन तो उसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब ये नहीं कि एक इंक्रीज करके, नहीं थ्री कहे तब फोर, नहीं ये नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसका मतलब होता है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। यानी ओवर टोन का मतलब होता है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, इस बात को समझ लीजिएगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, ओवर टोन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होता है। तो देखिए हम यहाँ पर अब चार्ट बना रहे हैं फॉर ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, ओपन ऑर्गन पाइप का चार्ट बना रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए मोड ऑफ वाइब्रेशन में है ना, यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर होगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, यानी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कर दिए, मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन यहां लिखा रहा है, इधर लिखा है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, इधर लिखा रहा है ओवरटोन का फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखिए जब तक क्लियर बात नहीं समझिए आना तब तक क्वेश्चन वाने मानने नहीं आएगा, अभी भी छोड़ देंगे ना, फॉर्मूला निकाल दिए, थ्योरी आप पढ़ लिए हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन ना हिलेगा। क्वेश्चन हिलाने के लिए इस चार्ट पेपर को याद कीजिएगा जो हम समझा रहे हैं, मतलब समझने की बात कीजिएगा। देखिए फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं या फंडामेंटल हार्मोनिक कहते हैं या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, फंडामेंटल, फंडामेंटल हार्मोनिक, फंडामेंटल हार्मोनिक इसको कहते हैं, या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, है ना इसी को कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, इसको फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब उसके बाद फंडामेंटल को फर्स्ट कहते हैं, फिर सेकेंड हार्मोनिक सीधा हो जाता है, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिर आपका होगा फोर्थ हार्मोनिक, क्या होगा, फिर आपका फोर्थ हार्मोनिक, फिर आपका होगा फिफ्थ हार्मोनिक, फिर आपका होगा सिक्स्थ हार्मोनिक, और बोलिए तो और बढ़ा देंगे आगे। ये सब बात पहले समझ लीजिए, चार्ट बनाना है। देखिए फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी जो होगा F1 उसको डिनोट करेंगे और V बाई 2L जो आप पढ़े हैं वही होगा, ओपन ऑर्गन पाइप है याद कर लीजिएगा, और F2 का फॉर्मूला होगा 2×V/12L होगा, ऐसे याद कीजिएगा। F3 का फॉर्मूला होगा 3×V/12 होगा, और F4 बराबर जो होगा 4×V/12 होगा, F5 बराबर होगा 5×V/12 होगा, मतलब याद कर लीजिए जैसे पहले उसमें लर्न किए थे। F6 में होगा 6×V/12 होगा, और 7th अगर लिखिएगा इसी तरह से तो 7×V/12 होगा। देखिए ओवर टोन का मतलब होता है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, अगला फ्रीक्वेंसी, तो ये ओवर टोन नहीं होगा, ये ओवर टोन में प्रेजेंट नहीं होगा। फर्स्ट ओवर टोन का आंसर ये होगा, देखिए आंसर ये लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा, इसको कहेंगे फर्स्ट ओवर टोन, ओवर टोन। यानी मैं आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट ओवर टोन में ओपन ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप 2V/12 बोल सकते हैं या V/L बोल सकते हैं, जो आपको इच्छा है बोल सकते हैं, हमें कोई कष्ट नहीं होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ की बात करते हैं, ये होगा सेकेंड ओवर टोन का फॉर्मूला होगा। देखिए हम इसका जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मतलब नंबर को देखिए, यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिखने चलिएगा ना, सब में एन आएगा, 2N+1, N-1, N λ इस तरह से आता है, और आप उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे, इसीलिए हम उस तरह के फॉर्मूला की बात नहीं किए हैं। बहुत सारे बुक में भी उस तरह का फॉर्मूला देता है,
हम डायरेक्ट आपको दिमाग में लर्न करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग समझते हैं बात को। देखिए ये अगर समझ में आ जाएगा ना तो फार्मूला याद करने का टेंशन ही नहीं है। आप बता दीजिए वी बाई ट्वेल्व उसमें भी आया था, दोनों इनक्लोज था और सारा इसी तरह से आया था, इसमें भी वही है, तो फार्मूला यहाँ याद कहाँ करना है। सबको तो मैं सीधा कर दिया हूँ पहले ही, थर्ड ओवर टोन का ये फार्मूला होगा, ये आपका फोर्थ ओवर टोन का फार्मूला होगा, ये आपका फिफ्थ ओवर टोन का फार्मूला होगा, ये आपका सिक्स्थ ओवर टोन का फार्मूला होगा। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। देखिए फिफ्थ आपके ओवर टोन का फॉर्मूला क्या होगा, सिक्स इंटू वी बाई ट्वेल्व होगा। देख लीजिए सिक्स ओवर टोन का फॉर्मूला क्या होगा, तो सेवन इंटू वी बाई ट्वेल्व होगा। किन्हीं को किसी तरह का भी कष्ट है तो हमको बतलाइए, बस इतना ही सोच लीजिए। ओवर टोन का जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का भी जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन मैं जनरल फॉर्मूला की बात ही नहीं कर रहा हूं। हम हर बार कर रहे हैं कि आप ऐसा याद कीजिए कि मरते दम तक आपसे कोई पूछे तो याद रह जाए। क्या कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यही होता है और लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ओपन ऑर्गन पाइप का कहे ग्यारहवां फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछिए, इलेवेंथ हारमोनिक का फॉर्मूला बताइए, तो इलेवन गुने वी बाई ट्वेल्व कहे। ओपन ऑर्गन पाइप में इलेवेंथ ओवरटोन का फॉर्मूला बताइए, तक एक बढ़ जाइए नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, ट्वेल्व इंटू वी बाई ट्वेल्व लिख दीजिए। कोई परेशानी है तो बोलिए, जल्दी से बोलिए, कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो हमको परेशानी तो है कि हम कुछ लोगों से पूछ कर करते हैं, है ना। तो कौन बताएंगे, आयुष, आयुष कुमार अपना माइक ऑन कर लीजिए। चलिए आप बताइएगा, मतलब कि आपको बताना है ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताना है, और आपको 100 ओवरटोन और में ओपन ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताइए। 100 ओवरटोन है, बोलिए जल्दी से, नहीं बोलिएगा चलिए माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए माधुरी कुमारी बोलेंगे, 100 ओवरटोन जब होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 101 वी बाई ट्वेल्व। हाँ 101 वी बाई ट्वेल्व, सही है एकदम, 100% सही है। चलिए तो अब पूछना भी जरूरत नहीं है, अब आगे पढ़ते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। देखिए दोनों को हम क्लियरली अलग अलग लिखवा रहे हैं कि आपको कष्ट नहीं हो, बिल्कुल कष्ट नहीं हो। मोड ऑफ वाइब्रेशन है, है ना, मोड ऑफ वाइब्रेशन ये है, फिर इसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, और ये जो है ओवरटोन का फॉर्मूला होगा, ओवरटोन का फॉर्मूला होगा। उसी तरह से एकदम चार्ट ही बना लीजिए 100%। तो फर्स्ट हार्मोनिक, हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इसी को कहते हैं, फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल हार्मोनिक, फंडामेंटल हार्मोनिक, ये हुआ पहला। देखिए फर्स्ट को फंडामेंटल कहते हैं, सेकंड से फिर सेकंड हार्मोनिक चलता है, सेकंड हार्मोनिक। आप लोग क्या समझे हैं जो सोच लीजिए, पूछेंगे आप ही लोग से सब आंसर, अब इधर उधर मत कुछ कीजिएगा। थर्ड हार्मोनिक की बात करेंगे, देखिए यहां फोर्थ हार्मोनिक होगा, फोर्थ हार्मोनिक होगा, है ना, एक फिफ्थ हार्मोनिक होगा, है ना, सिक्स्थ हार्मोनिक होगा, है ना, सेवंथ हार्मोनिक होगा, और आगे लिखें एट हार्मोनिक भी, चलिए एट हार्मोनिक होगा, जितना बोलिएगा लिख देंगे, इसी से तो आपको याद रहेगा सारा बात। चलिए पहला का हम लिख देते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक का होगा वी बाई फोर एल होगा, आइए तो प्रेजेंट होगा नहीं। चलिए बारी बारी पूछते हैं, ए एल आई से जो ज्वाइन है वो बताइएगा,
चलिए वो नहीं बोलेंगे, चलिए बताएंगे मुस्कान। माइक ऑन कीजिए अपना, मुस्कान अपना माइक ऑन कीजिए। यस सर। आप बताइएगा सेकंड हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, ये बताइए। 2V/4L। क्या? 2V/4L। ठीक है, चलिए आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तब चलिए उसके बाद ओम प्रकाश कुमार। 3V/4L। चलिए आप भी माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए खुशी कुमारी। सर V/2 है। चलिए और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? सर सेकंड हार्मोनिक में इसमें फ्रीक्वेंसी होगा ही नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसलिए प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि पिछले क्लास में ही समझा चुके हैं ये। वहां याद कीजिए वन इंड जब क्लोज था, वन इंड केवल फिक्स था आपका टेस्टिंग का, तो उसमें आपको सिर्फ ऑड हार्मोनिक पाया गया था। और हम बार बार कह रहे हैं कि एक ही चीज पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए, फार्मूला के भरोसे मत बैठिए, डायरेक्ट कंसेप्ट को ही समझ जाइए। फार्मूला तो अपने याद बना लीजिएगा, कोई पूछेगा फार्मूला के टर्म में तो अपने से डेराइव कर दिया, कहानी खत्म, लिख दीजिएगा दिमाग लगा करके इंटीजर कैसे लिखा जाता है। जो यहाँ पर याद कीजिए दोनों इंड यहाँ ओपन है और दोनों इंड वहां क्लोज था, फिक्स था, दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है। वहां एक इंड फिक्स था, यहाँ एक इंड क्लोज है, दोनों में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम था। वहां पर जो है केवल ऑड हार्मोनिक पाया गया था, तो यहाँ भी केवल ऑड हार्मोनिक होगा, सेकेंड फ्रीक्वेंसी तो इसमें पाया ही नहीं जाएगा, तो ओवरटोन की बात ही नहीं करना है। बस इतने सोच लीजिए, जब फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ओवरटोन कहां से आएगा, क्योंकि ओवरटोन का मतलब होता है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। अब थर्ड हार्मोनिक जो होगा F3/3V/4L। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं समझिए, हम बहुत सिंपल बात समझाना चाह रहे हैं। यहाँ फोर्थ आपका नहीं पाया जाता है, फोर्थ आपका नहीं पाया जाता है, फिफ्थ हार्मोनिक जो होगा 5V/4L होगा, सिक्स तो पाया ही नहीं जाता है, सेवंथ जो होगा आपका 7V/4L होगा, ओनली ऑड हार्मोनिक पाया जाता है, एट तो यहाँ पाया ही नहीं जाता। इस बात को समझ लीजिए, चित्रसम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए चित्रसम क्या कहना चाह रहे हैं, जो है ना अच्छी तरह समझ लीजिए 7V/4L। तो बात समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सेवंथ हार्मोनिक जो है, बात को समझिए अच्छी तरह से क्या है, सेवंथ हार्मोनिक तो आपका प्रेजेंट है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आप लोग को ये बताइए, क्योंकि फिर आप ही लोग से पूछेंगे, हम ये बात समझ लीजिए। चलिए अब हम पूछते हैं फिर से, प्रणव श्री अपना माइक ऑन कीजिए। प्रणव श्री अपना माइक ऑन कीजिए। यस सर, कर लिए। चलिए आप बताइएगा यहाँ पर सिंपल वे में कि फर्स्ट ओवरटोन कहाँ लिखाएगा। चलिए फर्स्ट ओवरटोन हम लिख देते हैं, फर्स्ट ओवरटोन ये हो गया, फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये हो गया, तो सेकेंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? सेकेंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। आया समझ में? सेकेंड ओवरटोन सर F5 पे होगा। थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, सेवेंथ, फिफ्थ ओवरटोन। चलिए ठीक है, माइक ऑफ कीजिए, हम बता देते हैं आप सही समझे हैं, बाकी लोग भी सही समझ लेंगे, हम बोल देते हैं। देखिए ओवरटोन लगातार होता है, चाहे क्लोज ऑर्गन पाइप हो चाहे ओपन ऑर्गन पाइप हो, ओवरटोन लगातार होता है, इसलिए बात याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से।
ओवरटोन का मतलब होता है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, अगला फ्रीक्वेंसी। ये नहीं हम बोले थे अगला मतलब समझते हैं ना, जो पाया जाएगा तब ना अगला, मतलब बात समझने की कोशिश कीजिए ओवरटोन का मतलब, नहीं तो कंफ्यूजन ही बढ़ जाएगा। फिर हमने कहा था ओवरटोन का मतलब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब पहला ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी आ गया, तो सेकेंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी उसका अगला फ्रीक्वेंसी, तो अगला फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, तो अगला तो ये हुआ ना, इसलिए ये हो गया 5V/4L। देख लीजिए ध्यान से, अगला फ्रीक्वेंसी, ये नहीं कि प्लस वन करके याद कर लीजिएगा, हमने कभी ऐसा बात नहीं बोला है, हमने बोला अगला फ्रीक्वेंसी, अगला 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 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। आगे बात सभी लोगों को समझ में, क्या डाउट है किन्हीं को? तो फर्स्ट हार्मोनिक में ओवरटोन क्यों नहीं होगा? ओवरटोन का मतलब था नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट ओवरटोन में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कैसे होगा आप ही बताइए, उसका अगला फ्रीक्वेंसी होगा ना। ओवरटोन का होता था नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, जिस ओवरटोन की बात कीजिएगा उसके अगला फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट कमिंग फ्रीक्वेंसी। तो बजना शुरुआत हुआ पहला से, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट ओवरटोन में उसका अगला फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, जो भी अगला पाया जाए। अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो 2 वाला हो जाएगा, और क्लोज है तो फर्स्ट वाला जो होगा 3 वाला हो जाएगा। तो सेकंड हुआ? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सेकंड हार्मोनिक में ओवरटोन क्यों नहीं हुआ? सेकंड हार्मोनिक में ओवरटोन तो है, सेकंड ओवरटोन तो है ना हार्मोनिक में, तो आपको अगला ओवरटोन का मतलब अगला फ्रीक्वेंसी जो एग्जिस्ट करता है उसके बारे में सोचिए, जो एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी ही एग्जिस्ट कर रहा है ऑड में, वह पहला तीसरा पांचवा सातवां नौवां ग्यारहवां पंद्रहवां ऐसे होगा। तो अब आप बताइए, फर्स्ट ओवरटोन अगर ये हुआ तो सेकंड ओवरटोन का अब आप कहिएगा 4V/4L, तो फ्रीक्वेंसी नहीं पाया जाता, तो कैसे उसको अगला फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं? नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने फार्मूला में ये नहीं बताया है कि 2N+, हमने कहा ना कि सबका बोलिएगा तो फार्मूला भी लिख देंगे, लेकिन उसमें कंफ्यूजन आपको बढ़ जाएगा, किसी में 2N+1 होगा, किसी में 4N-2 होगा, मतलब कि अलग अलग तरह का फॉर्मूला आने लगता है सब, और उस तरह का फॉर्मूला याद करके एग्जाम में जाइएगा ना तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि फॉर्मूला रट के गए, कंसेप्ट समझे ही नहीं है, और अगर कंसेप्ट समझ के जाइएगा तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। कभी अगर कह भी दिया कि फोर्थ ओवरटोन जो है ओवरलैप कर गया उससे, तो फोर्थ ओवरटोन अगर क्लोज पाइप का है तो यानी फिफ्थ फ्रीक्वेंसी, अति मतलब कि नाइन्थ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, दुगना से एक ज्यादा आ रहा है। देखिए अगर दिमाग में याद करने की जरूरत है तो पहला दुगना से एक ज्यादा, दुगना से एक ज्यादा, दुगना से एक ज्यादा, दुगना से एक ज्यादा, इससे ज्यादा आसान क्या कंसेप्ट पढ़ाएं ये बताइए। दुगना से एक ज्यादा, बस सोच लीजिए, दुगना से एक ज्यादा, तो परेशानी है तो समझ में आ गया होगा बात। तो चलिए ये सब जब खत्म हो गया कहानी, तो एक आध से पूछ ही ले सकते हैं हम तो, है ना? किनसे पूछे? मधुप्रिया, मधुप्रिया माइक ऑन कीजिए, नहीं तो फिर रिमूव कर देंगे, अभी वो को रिमूव किए हैं, आप फिर वो कॉल कर रहे हैं ज्वाइन होने, रिमूव कर देंगे तो उस मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाइएगा। नहीं बोले, नहीं बोले, कोई बात नहीं है ना, आवाज मोबाइल वोबाइल छोड़ छाड़ के भाग गए, है ना? आर लोग की बारी आनी चाहिए। तो चलिए सोनू सुमन, यस सर, चलिए आप बताइएगा 11th ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, 11th ओवरटोन क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए बताना है आपको। V/4L। वेरी गुड, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए सत्यम माही, यस सर, चलिए आप बताइएगा वन हंड्रेड ओवरटोन, मतलब 100 ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताना है
ओपन ऑर्गन पाइप का? एफ इलेवन इक्वल टू इलेवन इंटू बी बाई हंड्रेड. बी बाई हंड्रेड ये क्या बोले हैं आप? बी बाई टू एल सर. वन देखिए, अगर हंड्रेड का पूछे तो वन हंड्रेड वन होगा, इसमें जस्ट आगे हो जाएगा 101 गुने भी बाई 12, ठीक है? Yes. अभी देखिए आपको क्वेश्चन भेजे होंगे सब लोग को. Yes, sir. तो आपका आ गया है क्वेश्चन, तो माइक ऑफ कीजिए और सब लोग क्वेश्चन बनाइए जो हम बोलते हैं. देखिए हम आप लोग को पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लगातार बतला रहे हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है उस बात को अगर समझने की कोशिश कीजिएगा आप, तो क्या क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन अगर कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ नोट प्रोड्यूस बाय पाइप ऑफ लेंथ इतना, ये सिंपल क्वेश्चन है एक और दो, उसको मैं छोड़ देता हूँ. हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं, आप बना लीजिएगा, जो नहीं बनेगा फिर हमसे समझ लीजिएगा बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, है ना. तीसरा कहते हैं कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 66 सेंटीमीटर, की वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड. देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब होता है फर्स्ट वाला, और ओपन ऑर्गन पाइप है तो भी बाई 12 होगा. अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा तो फार्मूला एन के टर्म में लर्न करके क्या फायदा, कोई फायदा है तो बतलाइए, है ना. वो एन बाई 12, तो n by 2l पहले हम भी पढ़ाते थे तो फार्मूला पर पढ़ाते थे, बात याद कर लीजिए जब शुरुआत किए थे, तो जब शुरुआत में रट उठ के पढ़ाते थे तो बात ही नहीं समझ में आता था कि बच्चा क्या समझता और हम क्या समझते हैं, है ना. लेकिन अब बात को समझिएगा ना तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप समझने कोशिश कीजिए. कहता 66 सेंटीमीटर, देखिए ऑलवेज याद कीजिएगा यहाँ एस यूनिट में यूज कीजिएगा, दूसरा मिनट में यूज कीजिएगा, आंसर नहीं आएगा आपका. जो है यहाँ पर आपका 330 मीटर पर सेकेंड था स्पीड ऑफ साउंड, और टू गुने लेंथ, लेंथ जो है आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पर 66 सेंटीमीटर, तो 66 गुने 100 ऊपर चला जाएगा. आप बताइए यहाँ से ये 10 बार का कटेगा और ये 2 बार का कटेगा. अब ये समझ जाइए ये 5 हो गया, अब ये समझिए कि 5 हो 50 हो गया, तो 250 हर्ट्ज हो गया फ्रीक्वेंसी आपका. किसी को कहीं साइकिल पर सेकेंड भी लिख देगा, उसे टेंशन नहीं लेना है. देखिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आप बनाइएगा, उसके बाद हम बताएंगे. आप लोग क्या कीजिए 8 नंबर क्वेश्चन बनाइए, 8 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे. 8 नंबर क्वेश्चन बनाइए, आपके पास टाइम भी 1-2 मिनट का दे रहे हैं. 8 नंबर क्वेश्चन बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है. आप लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे. सर भेजे हैं. चेक कर रहे हैं. बहुत लोग भेजे हैं. चलिए ठीक है, मैं बतलाता हूँ अब क्या करना है. जो बुक देखिए आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या है, एक नंबर क्वेश्चन सबसे पहले बतलाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप, इफ सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज यूनिशन विद थर्ड ओवरटोन ऑफ, यूनिशन का मतलब समझ लीजिए, वहां यूनिशन को अंडरलाइन कीजिए जो नहीं समझते हैं. यूनिशन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी सेम करना, यूनिशन मतलब होता है दोनों एक साथ बजना, है ना. यूनिशन एक वर्ड है उसका मतलब यही होता है.
तो कंपेयर द लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप इफ सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप यूनिशन विथ थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। दोनों का फॉर्मूला सेम हो गया है, मतलब क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कहता है सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। तो सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला क्या होगा, दो दूनी चार एक पांच होगा, यानी पाइप ही बाई फोर एल और क्लोज ऑर्गन पाइप को लिख दिया क्लोज से। सेकेंड ओवरटोन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वही बात हम बोल रहे हैं, सेकेंड ओवरटोन कर रहा है ना, सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप। तो क्लोज पाइप में सेकेंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, दुगना से एक ज्यादा, तो फाइव वी बाई फोर एल सी बराबर है किसका, कहता है थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो थर्ड ओवरटोन का मतलब फोर्थ हार्मोनिक, ओपन ऑर्गन पाइप वी बाई टू एल और ओपन को ओ से डिनोट कर दीजिए, ओपन को ओ से। तो आप देखिए दोनों एक को इधर सुधर जो भी करना है कर लीजिए आप, बात समझ में आ गया। आपको लेंथ का कंपेरिजन कर रहा है करने के लिए, किसका कंपेरिजन, लेंथ ऑफ कंपेयर द लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, यानी क्लोज ऑर्गन पाइप का लेंथ ऊपर रखना है, यानी इसको ऊपर ले जाइए एल सी, ये ऊपर चला गया और भी से भी तो कट ही गया था, तो एल सी बाई एल ओ बराबर क्या हो गया, ये आ गया नीचे, यानी फाइव बाई फोर इंटू टू हो गया, यानी फाइव बाई एट आ गया आंसर, कितना गया फाइव बाई एट आपका आंसर आ गया, बस समझ लीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है समझ लीजिए बात को, उसी तरह से बोले थे सिक्स नंबर क्वेश्चन को भी बनाने के लिए। तो देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है आपका, कंपेयर द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप इफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है। दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये वी बाई फोर एल क्लोज होता है और वी बाई फोर वी बाई टू एल ओपन होता है। अब दोनों का लेंथ कंपेयर करना है, तो लेंथ कंपेयर करना है तो लेंथ के लिए क्या दिया है आपका, यानी एल नोट एल सी दोनों का लेंथ कंपेयर करना है, तो आप ऊपर कट गया सब कुछ, ये भी कट गया, तो एल नोट बराबर आ गया टू गुने एल सी आ गया। देख लीजिए ध्यान से, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें अभी और भी थ्योरी पढ़ाना बाकी है, ऐसा नहीं कि अभी आपका थ्योरी खत्म हो गया है, ठीक है, अभी ऑर्गन पाइप में भी थोड़ा बहुत थ्योरी बचा हुआ है, और ऑर्गन पाइप में जो थ्योरी बचा हुआ है वो थ्योरी जो है आपका, जब ऑर्गन देखिए अभी तक पढ़े तो ऑर्गन पाइप की सिर्फ लंबाई लिए हैं, लेंथ लिए हैं ऑर्गन पाइप, उसका चौड़ाई वगैरह का यूज हम लोग नहीं किए हैं, है ना, उसको मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ उसका अगर डायमीटर दिया हो रेडियस दिया हो तो ऑर्गन पाइप कैसा बिहेवियर शो करेगा इसकी बात करते हैं, है ना, तो उसके लिए एक टर्म है रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, है ना। देखिए वहां पर इंस्ट्रूमेंट था सोनोमीटर, मतलब वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में क्या था इंस्ट्रूमेंट आपका सोनोमीटर था, और यहाँ पर है रेजोनेंस कॉलम ट्यूब है, वहां पर सोनोमीटर और यहाँ पर रेजोनेंस कॉलम ट्यूब होता है, बात समझ लीजिए। दोनों से हम लोग क्या करते हैं आपका स्पीड ऑफ साउंड वेव मेजर करते हैं, दोनों से क्या मेजर करते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव मेजर करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि सोनोमीटर जो हम लोग पढ़े थे तो सोनोमीटर में क्या था, खुद सोचिए सोनोमीटर में क्या, हम लोग सिंपल आपको क्या बताए थे, एकदम सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक धागा को बांध दिए इधर से और एक पुल्ली के सहारे यहाँ लटका दिए और यहाँ पर तराजू ऐसा रख दिए कि इस पर लोड आप चढ़ा सकते हो, है ना, मास रख सकते हो जिससे टेंशन आप कंपेयर कर सकते हैं, और यही सोनोमीटर का मेन फंक्शन है। उसी तरह से रेजोनेंस कॉलम ट्यूब क्या होता है, तो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब आपका ऑर्गन पाइप से बनता है और ये वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग व्हेन फिक्स्ड एट बोथ एंड है, ये मतलब ये सोनोमीटर जो है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग व्हेन फिक्स्ड एट बोथ एंड वाला कंसेप्ट यूज करेगा, और सोनोमीटर जो है ऑर्गन पाइप का यूज, मतलब कि आपका सोनोमीटर ये हो गया और आपका जो ऑर्गन पाइप से जो बनेगा वह क्या हो जाएगा आपका रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। तो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब को देखते हैं कि आखिर क्या है, ठीक है, क्या यूज करते हैं रेजोनेंस कॉलम ट्यूब। तो इसको मिटाते हैं और रेजोनेंस कॉलम ट्यूब की बात करते हैं।
बाकी जो क्वेश्चन भेजे हैं ना आप लोग को, वो सब बना लीजिएगा क्वेश्चन, किसी को छोड़िएगा नहीं। ऐसे आप छोड़ देते हैं क्योंकि एक मिनट में तो ज्यादा कुछ हम पढ़ा नहीं सकते हैं, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब है ना, तो लेकिन अगला हेडिंग वही होगा रेजोनेंस कॉलम ट्यूब का, यानी अगले क्लास में उसको पढ़ाने के बाद फिर आपका बचा हुआ है अभी बिट्स फ्रिक्वेंसी, और फिर बचा हुआ है आपका डॉपलर इफेक्ट। इन सभी को समाप्त करने के बाद फिर क्वेश्चन है जो मतलब मिक्स क्वेश्चन बनाएंगे, अभी तो सेपरेट क्वेश्चन देखते हैं फिर मिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर एंड होता है, अगले क्लास में मिलते हैं अब, ठीक है।